स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर में एक जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल फाइल होती है उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्ट एंड ड्रामा की फ़ाइल है आपकी, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आप किस तरीके से इस फाइल को क्या है बेहतर तरीके से इसको बना सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होती है, कैसे हम इसको करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास ये बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका आर्ट एंड ड्रामा, जिसको ईपीसी 2 बोलते हैं, इसकी प्रैक्टिकल फ़ाइल है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने कौन कौन से टॉपिक अब वो कवर किए हैं। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर एक इंडेक्स बनाना होता है जिसमें जो आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं वो सारे आते हैं। जैसे इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आता है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट, इसके बाद आर्ट इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एस्थेटिक्स एंड इट्स एजुकेशनल रिलीवेंस आ गया। नेक्स्ट टॉपिक होता है ड्रामा एंड आर्ट एड पेडागोजी ऑफ लर्निंग एंड डिवेलपमेंट, ये हो गया। इसके बाद यूनिट फर्स्ट का ही नेक्स्ट टॉपिक होता है रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ इन ड्रामा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपीरियंसिंग रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग ड्रामा। तो इसके बाद इसमें कुछ और भी टॉपिक्स है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारे का सारा जो अपना यूनिट फर्स्ट है उसमें आ जाता है। इसमें दो यूनिट्स होते हैं, ये सेकंड यूनिट के कुछ एक टॉपिक्स थे जैसे रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ हो गया। इंडेक्स के बाद अब हम देखेंगे जो ऊपर हमने इंडेक्स में जो जो टॉपिक मेंशन किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिटेल में हमने कवर कर रखे हैं। ये जो आर्ट एंड ड्रामा की आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल है, ये 100 नंबर की होती है, और इस फाइल में आप इसको जितना अच्छे तरीके से लिखोगे, जितना बेहतर तरीके से डेकोरेट करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें 100 नंबर बहुत मायने रखते हैं कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हो, ये आपके ओवरऑल परसेंटेज पर भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो ये जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने A3 साइज़ जो शीट होती है वो मैंने यूज़ कर रखी है। जैसा आप एक साइड आपका रिटर्न का आ जाता है, और जो इसके सामने हमने कोई फ्लो चार्ट डायग्राम कोई पिक्चर्स वगैरह लगानी है वो सारी की सारी इसमें हम लगा सकते हैं। फाइल में जितना कोशिश हो सके आप इसको डेकोरेट करिए, और अपने हाथ से चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा बजाय कि आप पिक्चर्स लगाते हो या फिर कोई स्टिकर्स वगैरह यूज़ करते हो जैसा यहाँ पर यूज़ कर रखा है। इसके बाद हमारा यूनिट सेकंड शुरू हो जाता है जो है मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। इस
इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस फाइल के लिए कवर करने होते हैं। आपकी आर्ट एंड ड्रामा की कंप्लीट फाइल, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। एक इम्पोर्टेंट आपके लिए बीएड सेकंड ईयर में ये रहती है, अगर आपको ये फाइल है जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको मैं ये पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूँगा।